रविंदर रवि बोले, मुझे टारगेट बनाने की कोशिशें। वायरल पत्र पर चल रही सियासत पर पूर्व मंत्री रविंदर रवि ने स्पष्ट किया है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके समर्थक मनोज मसंद को जानबूझकर तंग किया गया कि उन्हें टारगेट बनाया जा सके। शिमला में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, दलाल पकड़ा। ढली थाने के अंतर्गत पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में जीरकपुर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के चंगुल से दो युवतियों को भी रेस्क्यू किया गया है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग पंजाब से यहाँ पर शिमला में इस तरह की गतिविधियां में लिप्त हैं। उस आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति से संपर्क किया था कि वो सगना है इस सेक्स रैकेट का, वो मोहाली जीरकपुर में स्टेशन रहता है और वहीं से वो इस तरह का अपना धंधा है, इसको चलाता है। उससे पुलिस ने सीक्रेटली जो है वो संपर्क किया था और जिस पर उसने दो लड़कियों को भेजना माना था और वो लड़कियों को लेकर स्वयं अपनी गाड़ी में, पंजाब नंबर की गाड़ी है, उनको लेकर वो रात को यहाँ आया था। उस पर जब वो यहाँ पहुँचा उसके बाद उसको यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया था, अरेस्ट कर लिया है। लड़कियाँ जो विक्टिम जो है दो लड़कियाँ, वो भी बाहर की स्टेट की है और उन्हें मालूम के लिए पुलिस ने जमा करवा दिया है और एक्यूज जो पुलिस कस्टडी में है। किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेगी सरकार। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे ने जिला ऊना के दौरे के दौरान कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार रासायनिक और जैविक खेती को बंद करके किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेगी। हमने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती होगा, कि निश्चित तौर पर जो है हम प्राकृतिक खेती पे हम कंसंट्रेट करने वाले हैं। रासायनिक खेती भी नहीं करेंगे हम लोग, आने वाले समय में जैविक खेती को भी हम खत्म करने बंद करने वाले हैं। कि जैविक खेती में भी पाया गया कि इसमें जो है बीमारी का भी इसमें प्रकोप रहता है, जैसे आर्सेनिक है, आपका मर्करी है, लेड है, ये भी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है, आर्सेनिक जन्म देती है बीमारी। खनन माफिया पर उद्योग मंत्री की सर्जिकल स्ट्राइक। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने रात के अंधेरे में खनन क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब एक दर्जन टिप्परों को खनन विभाग और पुलिस के हवाले किया। साथ ही आज सुबह हरोली पुलिस ने भी जेसीबी सहित करीब 8 वाहन पकड़े। पोलिया के युवक का शव शाह नहर में मिला। संसारपुर टेरेस में कंपनी के काम पर गए पोलिया के युवक की लाश शुक्रवार को शाह नहर में बरामद की गई है। युवक के कपड़े शाह नहर के किनारे मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था। पीजी पर शिकंजा कसेगी हमीरपुर पुलिस। पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग मामले के बाद शहर में चल रहे पीजी पर पुलिस शिकंजा कसेगी। पुलिस पीजी में सर्च अभियान भी चलाएगी ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न घट सके। इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा यहाँ पे हमीरपुर में काफ़ी पेइंग पीजीज हैं जो चल रहे हैं और उसमें स्टूडेंट्स कुछ हिमाचल के बल्कि बाहर के भी यहाँ पे आके रहते हैं, क्योंकि हमीरपुर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो इनकी इन छात्रों की सुरक्षा और जो मकान मालिक हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अभियान चलाएं जिसमें हम उनको अपने साथ जोड़ें और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी अप्रिय घटना का कोई भी अगर ऐसी इंडिकेशन आती है तो हमको इन्फॉर्मेशन मिले। और मैं आपके माध्यम से मकान मालिकों को भी और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो हमारा साथ दें और अगर कोई इस तरह का किराएदार या कोई इस तरह का व्यक्ति उनके घरों में या उनके पीजीज में आने के लिए रहता है तो आप हमसे इसके बारे में वेरीफाई ज़रूर करा सकते हैं। आप अगर कोई संदेह चाहें तो हमारे पास पूरे नेशनल लेवल का डेटाबेस के एक माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं किसी के खिलाफ कोई इस तरह का कोई FIR रजिस्टर्ड या किसी तरह का बैड कैरेक्टर का कोई प्रमाणित बैड कैरेक्टर तो नहीं है। छोटा शिमला नव बहार रोड पर जिप्सी पलटी। राजधानी में सुबह सवेरे एक हादसा हो गया।
शहर के छोटा शिमला नव बहार रोड पर एक जिप्सी पलट गई। इस हादसे में जिप्सी का चालक घायल हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मशोबरा रोड पर हादसे का शिकार हुआ सेब से भरा ट्रक। ठियोग से शिमला आ रहा सेब से लदा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर मशोबरा सड़क आवाजाही के लिए बंद हो गई, जिसे बाद में यातायात के लिए बहाल किया गया। नाग मंडोर मंदिर की बड़ी जातर में उमड़े श्रद्धालु। चुवाड़ी कस्बे के निवासियों की अगाध श्रद्धा के प्रतीक नाग मंडोर मंदिर में आज बड़ी जातर मेले का आयोजन हुआ। सुबह से ही आराध्य देवता के मंदिर में शीश नवाने वालों का तांता लगा रहा। NSUI ने किया विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन। BSc, BA और BCom का परिणाम देरी से निकालने पर NSUI की हमीरपुर इकाई ने यूनिवर्सिटी प्रशासन व कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठन का कहना था कि छात्रों के 2 साल बर्बाद हो चुके हैं। और हैरानी की बात ये है कि सरकार और प्रशासन ने ऐसे समय में रिजल्ट निकाला है कि बच्चों के 2-2 साल बर्बाद हो रहे हैं, और ऊपर से पूरे साल की जो है वो फीस भी ले ली है। बच्चों के 2 साल की फीस बर्बाद हुई और साथ ही साथ 2 साल जो है वो बच्चों के बर्बाद हुए। NSUI हमीरपुर ने आज प्रशासन के खिलाफ, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, और अगली रणनीति जो है हम प्रशासन को 15 तारीख तक का समय देते हैं कि वो इस जो रिजल्ट आया है इसको अपडेट करें या जल्द से जल्द अपडेट करें, नहीं तो NSUI जो है वो NSUI के बैनर तले पूरे प्रदेश में NSUI भूख हड़ताल और चक्की जाम करेगी, और इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है।